नूह होटल मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि यह हादसा करीब 3:30 बजे उटावर थाने के अंतर्गत मलाई और भीमसिका गांव के बीच में हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई और लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक में फंसे चालक को सही सलामत बाहर निकाल लिया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह झुंझुनू से वाया नूह हथीन के लिए सीमेंट भरकर ला रहा था, तभी मलाई गांव के निकट सामने से आ रही तेज रफ्तार कार को बचाने की कोशिश में ट्रक अनियंत्रित हो गया और गिर गया। क्या नाम भाई? आलिम। आलिम, आप इस गाड़ी को चला रहे थे? हाँ जी, मैं चला रहा था। कैसे हुआ एक्सीडेंट, का क्या कारण है? जी, इसका कारण ये है, इधर से एक तो कार आ रही थी बराबर में, और हाँ। बराबर में ही था डम्पर, हाँ। तो उसके बाद में उसने साइड दबा दिया। तो साइड दबा दिया तो मैंने गाड़ी इधर दबा लिया, उधर दबाता तो आमे सामे से गाड़ी भिड़ जाती। अच्छा। तो मैंने इधर दबा लिया, इधर कच्चे में उतर गई थी गाड़ी। अच्छा। तो उसके बाद में फिर ये बैठ गई, यहाँ पे कच्चा था तो गाड़ी बलद गई। अच्छा, बदल गई। चोट वगैरह लगी किसी को? चोट वोट किसी को नहीं लगी, ना कोई इसके आस पास था कोई। अच्छा। हाँ, अकेली गाड़ी गिरी है। कौन कौन थे गाड़ी में उस टाइम? मैं अकेला ही था। भरा क्या हुआ है गाड़ी में? सीमेंट भरा हुआ है। कहाँ से आ रहे हो आप? नवलगढ़ से। अच्छा, कितने बजे घटना है ये? 1 बजे की घटना, 1:30 बजे। हाँ। कहाँ जा रहा था माल? माल यहाँ जा रहा था, हथीन। तो यहाँ एक चश्मदीद भी हमारे पास थे, वो उससे इस घटना के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मतीन। गांव कौन सा है अपना? मलाई। मलाई, किस तरह से हुआ था ये एक्सीडेंट? सर ये आगे से, अच्छा कोई गाड़ी दूसरी थी जिसको बचाने के चक्कर? हाँ, कार थी ना। अच्छा। तो थोड़ा सा उसको बचाने के चक्कर में थोड़ा सा कूद गई। आप थे उस टाइम यहाँ पे देख रहे थे? नहीं, वही ना, हम हमारी दुकान है आगे थोड़ी सी चल के नाई पड़ने की। हाँ। तो वहीं से देख रहे थे इसको। अच्छा। हम वो जब भक्का है। कोई और नहीं था गाड़ी के? नहीं, और नहीं।